हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं गाय घाट में आया हूँ। गाय घाट बाज़ार ये जो है कलवारी से 7 किलोमीटर पूर्व की दिशा में है। तो यहाँ कुछ लोग खड़े हैं हमारे पास में और इनकी शिकायत है भारतीय स्टेट बैंक के जो कैशियर हैं इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए हैं और इन्हीं लोगों से पूछते हैं। तो सर अपना परिचय दे दीजिए और आपके साथ क्या हुआ है बता दीजिए। सर मेरा नाम विजय गुप्ता है, मैं गायघाट का रहने वाला हूं और स्टेट बैंक गायघाट में मेरा खाता भी है। मैं खाते में KYC करवाने के लिए गया था जिसमें एक कैशियर हैं बैंक के, शिवम बैस नाम है। वो जो है आए दिन ग्राहकों से भिड़ता रहते हैं और किसी न किसी तौर पे किसी को जलील करते हैं, किसी को गाली देते हैं, यहाँ तक कि ग्राहकों के साथ मारपीट की भी नौबत आ जाती है। तो मैं भी गया था KYC करवाने, पहले से ही पता नहीं किस बात से वो खार खाए बैठे हुए थे मुझसे। जैसे ही मुझे देखा अंदर गया मैं तो मुझे किसी तकनीकी खामियाँ बता करके बोला गया कि आपको बाद में बुलाया जाएगा। तो मुझे लगभग शाम को 5 बजे बुलाया गया, तो मैं बैंक कर्मियों के बुलाने पर अंदर गया तो मुझे देखने के बाद शिवम जो है पूरी तरह से बौखला गया और गाली गुप्ता भी देने लगा। मैंने कारण पूछा और विरोध किया इसका, तो वो मुझे मारने के लिए अपने केबिन से उठकर बाहर आ गया। यहाँ तक कि बैंक कर्मियों ने किसी तरह से बीच बचाव किया और मामले को शांत कराया। फिर जो है वो करीब बैंक बंद होने के बाद में फिर बैंक से बाहर निकला और अपने कुछ गुंडे टाइप के साथियों को बुला करके मेरे ऊपर हमला भी करवाना चाहा, लेकिन जो है किसी तरह से लोगों के बीच बचाव से मामला शांत हुआ। और मैंने इसकी शिकायत जो है क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय से भी की है जिसका ये दरख्वास्त है। और ये देखना चाह रहे हैं कि अब क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय इस गालीबाज कैशियर के खिलाफ कौन सा कदम उठाता है, क्या करता है, ये तो देखने पर ही पता चलेगा आने वाले समय में। नहीं तो कुछ सवाल बनते हैं। आप KYC कराने गए थे तो किसके पास KYC होता है, उन्होंने कैसे शुरुआत किया, मतलब कुछ तो शुरुआत आप बताएंगे, थोड़ा स्पष्ट करिए क्योंकि जनता जानना चाहती है सच्चाई। जी KYC करवाने हम दोपहर में गए थे तो उस समय कुछ तकनीकी कमियां बता करके हमको बाद में आने के लिए बोला गया कि आपको बुलाया जाएगा। जब सारे लोग चले गए, भीड़ ख़त्म हो गई, तब मुझे कॉल करके बैंक द्वारा बुलाया गया और मैं बुलाने पर गया वहाँ पर। तो फिर मैनेजर साहब ने बोला कि जो है आपने जिस पेन से साइन करा है उसी पेन से करिए। तो पेन लेने के लिए मैं दोबारा अपने दुकान पर आया और पेन लेकर मैं अंदर गया। तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था और जो वहाँ का जिसने दरवाज़ा खोला उसको उसने मुझे अंदर किया। फिर शिवम ने जैसे ही मुझे देखा फिर उस चपरासी को जिसने दरवाज़ा खोला उसको गालियां देने लगे, उसके साथ बुरा भला कहने लगे कि कोई भी जो है बैंक में नहीं आएगा किसी भी कारण से, बैंक में डकैती पड़वानी है क्या। इसी तरह से उसने जो है मिसबिहेव किया। मैंने कारण पूछा और विरोध जताया कि जो है हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और हमारे पास ना तो कोई हथियार है ना असलहा है, आप कैसे हमें डकैत कह सकते हैं। इसका विरोध करने पर वो मुझसे गालियों से बात करने लगा और तुम तड़ाम करा। नहीं, आप छोटे छोटे सवालों का जवाब दीजिए, छोटा छोटा रहेगा तो लोग दर्शक आसानी से देख सकेंगे, समझ सकेंगे। तो छोटा छोटा सवाल यह है कि जब आप अंदर गए तो आपके साथ जो है दुर्व्यवहार, उन्होंने कहा कि मतलब KYC नहीं आज हो पाएगा, तो आपको जो है KYC जो है वो दूसरे लोग कर रहे थे, इनसे कोई लेना देना ही नहीं था, ये कैश पे अपना बैठे हुए थे। अच्छा, इनसे कोई लेना देना नहीं था। जी इनसे कोई हमारी बात ही चीत नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने उसको डांटना शुरू किया, गाली देना शुरू किया, तब मैंने विरोध किया कि आप मेरे ऊपर ही ऐसे क्यों बार बार करते हैं। तो इसमें जो है आपकी बात में कुछ कमी लग रही है, कमी इसलिए लग रही है क्योंकि दो उधर उनकी आप उनका भी पक्ष सुना जाएगा तभी बात स्पष्ट होगी। तो कमी ये लग रही है जैसे इतने सहज बात से लिए, ऐसा व्यवहार बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन कुछ तो उसके पीछे कारण होगा कि आप उसका कारण कुछ बताना चाहेंगे। रिकॉर्डिंग भी CCTV में कैद है, अगर आप चाहें तो बैंक का CCTV फुटेज देख सकते हैं, वहाँ आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। हमारी उनसे कोई बात विवाद नहीं हुई थी पहले। नहीं कहीं रास्ते में या किसी दूसरे के साथ कुछ न कुछ लग रहा है, क्योंकि मान लीजिए आपका मैटर है वो क्या करते हैं कि हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये तो हम नहीं जानते। हम तो एक ग्राहक हैं और ग्राहक की तरह से ही जो है व्यवहार कर रहे गए थे वहाँ पर। यानी आपका जो है अपमान हुआ है और जो है मतलब इसकी शिकायत आप करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यहाँ से इनकी बदली हो जाए। जी जो भी हो विभाग अपना उचित कार्रवाई करेगा इनके ऊपर, जैसा भी उचित होगा ये तो विभाग ही तय करेगा क्या करना है क्या। आपके साथ क्या अपना परिचय आप बताएंगे। जी मेरा नाम धर्मेंद्र है, आज मैं SBI में गए थे आज भी, तो जैसे हम कोई काम से गए थे तो मेरे को भी कैशियर बोले कि किधर तुम आए हो,
और ऐसे ऐसे बोल दिए कि इसको डांट के भगा दिए कि यहाँ से चले जाइए। दोबारा मत आइए। आज ही का बात है, आज दोपहर की बात जी। आज का डेट कितना है? आज 2 तारीख तीसरा महीना 2023 मार्च। तो ये मार्च का डेट है, आपके साथ भी ऐसा व्यवहार जी? ऐसे और ग्राहकों के साथ भी ऐसा? पता नहीं कितने ग्राहकों के साथ आए, सबके साथ होता है सर। लेकिन हम लोग तो आप यहीं से, हम लोग यहाँ के हैं, हम लोग उसे भी ऐसे करते हैं, और जो आते हैं तो उससे और भी करते हैं। हम लोग मार्केट के ही हम लोग को तो करना चाहिए, तो आम पब्लिक के साथ तो पता नहीं क्या करते हैं। आम पब्लिक आवाज़ ही नहीं उठा पाती है, लेकिन हम तो पूरी तरह से आवाज़ उठाएंगे जब तक इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। इसके लिए हमें हर स्तर से गुजरना पड़े, हम गुजरेंगे। तो आप शिकायत कहाँ जमा किए हैं शिकायत? जी, हमने क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के पास भी कंप्लेंट करा है, और यहाँ पे जो स्थानीय जो पुलिस है उनको भी कंप्लेंट करा है, ताकि भविष्य में मेरे साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार ना हो। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी शिवम की होगी, क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी भी दिया है और मुझे मारने के लिए बाहर से गुंडे भी बुलवाए थे। धमकी देते हुए चले गए कि हम तुमको देख लेंगे, तुम हमारा कंप्लेन कर रहे हो। तो ये सरकारी बैंक है, प्राइवेट की तरह व्यवहार कर रहे हैं जी? ये अपने आप को नौकर और बैंक कर्मी नहीं मानते हैं, ये कुछ लोगों के चढ़ावे में, पता नहीं किसके चढ़ावे में आ करके जो है आम पब्लिक के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आम पब्लिक कहीं आवाज़ नहीं उठाएगी और उसे बैंक में आना ही आना है किसी भी कारण से, इसलिए हम जो चाहेंगे वो करेंगे। यानी पूरा जो है यहाँ के लोग, आसपास के लोग दुखी हैं। जब दिन का समय होता तो मतलब बैंक का टाइम होता तो और लोग मिल जाते जी? बहुत लोग मिल जाते हैं, शिकायत करने वाले बहुत जी, बहुत जी।